प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में लेड फ्रॉम द फ्रंट ये उन्होंने आग्रह किया कि बाकी भी प्रदेश के संगठन प्रचार के लिए मोदी जी की मेहनत और अगुवाई से सीखे। और यहां मैं आपसे कह सकता हूं कि मैं भी गुजरात के चुनाव में बहुत दिन बैठा था, जब वो गुजरात के अहमदाबाद में रोड शो कर रहे थे तो मैं भी दो तीन जगह था, और मेरे लिए आश्चर्य था कि 8-10 लाख लोग सड़कों पर थे और एक भी बाहर से नहीं बुलाए गए थे। तो ये उनकी लोकप्रियता, उनकी हिम्मत, तो अध्यक्ष जी ने कहा इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। गुजरात के बारे में उन्होंने, हिमाचल के बारे में उन्होंने कहा कि हमें रिवाज बदलना था, हम नहीं बदल पाए। हालांकि वहां हर 5 साल पर रिवाज राज बदलता है। इन्होंने एक बात अवश्य कही कि पूर्व की सारी हार 5% से अधिक से होती थी, या 5%, इस बार हम 1% से भी कम से हारे। और हमारे मित्रों ने बहुत बड़ा काम किया, हमारे मीडिया सेल ने, आई नीड टू पैट दम, कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोटों का अंतर सिर्फ 37,000 है हिमाचल प्रदेश में। आई रिपीट, द टोटल डिफरेंस ऑफ वोट्स बिटवीन द कांग्रेस एंड द बीजेपी इज क्लोज टू 37,000 वोट्स ओनली। तो एक बहुत संतोष का भी विषय, लेकिन आगे ठीक करने की जरूरत है। मित्रों, तेलंगाना में हमारे कार्यकर्ता बहुत संघर्ष कर रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री जो हैं उनकी सरकार के द्वारा तमाम अवरोध के बावजूद जिस तरीके से हमारे लोगों की यात्रा निकली, मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा तेलंगाना में अपनी हम सरकार बनाएंगे। तो ये क्या हो रहा है देख लो। अध्यक्ष जी की दो बात मैं कह के अपनी बात कंप्लीट करूंगा, फिर आपके कुछ सवाल होंगे तो हम लेंगे उसको। पहली बात यह है कि हर घर तिरंगा एक कार्यक्रम हुआ था, आपको जानकर खुशी होगी कि 4,15,00,000 घरों में तिरंगा लगाया गया।